गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. वेलकम बैक टू माई चैनल. इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब इट, प्लीज सब्सक्राइब इट. प्रेस द बेल आइकन, हिट द लाइक बटन ऑल्सो. फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं, मैं डेली द हिंदू न्यूज पेपर से एक आर्टिकल लेके आता हूँ जो कि आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत ही बेनिफिशियल रहता है. इसमें आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा जो कि यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के मेन्स आंसर राइटिंग के लिए बेनिफिशियल रहेगा. आप स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत सारी चीजें यहाँ से जान सकते हैं, जैसे कि वोकैबुलरी वर्ड्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर, पैसिव फॉर्म, एक्टिव फॉर्म, हाउ यू कैन यूटिलाइज सच टाइप ऑफ कंटेंट इन योर कन्वर्सेशन आई विल टेल यू. एंड इफ यू वांट टू हैव पीडीएफ ऑफ दिस पर्टिकुलर आर्टिकल और पर्टिकुलर न्यूज़पेपर, देन यू कैन विजिट ऑन टेलीग्राम चैनल द यूपीएससी फोरम. तो टेलीग्राम चैनल का नाम है यूपीएससी फोरम और हम बिल्कुल आराम से देखेंगे कि इसमें क्या कंटेंट दिया हुआ है इस पूरे आर्टिकल में. तो यहाँ पे बात की एपैथी कंटिन्यूज, एपैथी उदासीनता, मतलब कुछ देखा आपने और फिर उसके बारे में रिस्पॉन्स ना देना, बिल्कुल जैसे कुछ हुआ ही नहीं है. उदासीनता, एपैथी कंटिन्यूज, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसा लगा है. तो एपैथी चल रही है. कैसे चल रही है देखें, अफ्रीका इज नॉट गेटिंग एमपॉक्स, मंकी पॉक्स. तो अफ्रीका को नहीं मिल रही है. नॉट गेटिंग, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है जो कि इज एम आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कहां था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जाता है. तो अफ्रीका को नहीं मिल रही है. क्या नहीं मिल रही है? एमपॉक्स, मंकी पॉक्स की जो वैक्सीन है, डिस्पाइट द डिजीज एंडेमिसिटी, डिस्पाइट के बावजूद डिजीज का एंडेमिसिटी, मतलब पर्टिकुलर प्लेस में यही बीमारी है. पेंडेमिक होता है, पैन मतलब बहुत, सब सारा से मिलकर पेंडेमिक, जैसे कोरोना वायरस पेंडेमिक बन गया था. एंडेमिक जो कंस्ट्रेन है किसी विद इन दी एक लिमिटेड बाउंड्री में, ज्योग्राफिकल बाउंड्री में, मतलब अफ्रीका में. और यहाँ पे एक जानने की बात यह है कि ये मंकी पॉक्स क्या होता है. मंकी पॉक्स ब्लिस्टर जैसे हो जाते हैं, छाले जैसे हो जाते हैं और बिल्कुल देखने में ऑकवर्ड लगता है, मंकी पॉक्स बोलते हैं. हालांकि ये बिल्कुल डेडली डिजीज नहीं है, लीथल नहीं है. मतलब लीथल क्या है कि इससे जान इतनी जाती नहीं है, बट फिर भी ये एक ऑकवर्ड लगता है दिखने में और एक सीरियस बीमारी है और आगे जाके ये एग्रावेट हो सकती है, बढ़ सकती है. तो ये क्या होता है, इसमें लिम्फ नोड पे स्वेलिंग आ जाती है. लिम्फ नोड लिम्फेटिक सिस्टम जो अपना होता है इम्यून सिस्टम, उस पर अटैक कर देता है और बीमारियां लग जाती है इसकी वजह से. लिम्फेटिक सिस्टम ये बायो की टर्म है, लिम्फेटिक सिस्टम पे अटैक कर देता है जो कि अपना इम्यून सिस्टम होता है. और तो लिम्फ नोड क्या होता है, लिम्फ नोड कुछ ग्रुप ऑफ ग्रंथियां जो लिम्फ होती हैं ग्रंथिया टाइप में, वो आपके कहीं जैसे एक्सिल में तो एक्सिल जो आपकी बगल के नीचे जगह होती है उसमें मिलती हैं, या ईयर लोब्स जो कानों के पीछे होती हैं लिम्फ नोड्स मिलती हैं. तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए. तो आगे चलते हैं, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO. तो WHO 7 अप्रैल को बनी थी, इसलिए वर्ल्ड हेल्थ डे भी बनाते हैं तो 7 अप्रैल को याद रखना. हैज डिक्लेयर एमपॉक्स, मंकी पॉक्स टू बी, इसको मतलब होना है टू बी ए पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न. तो इसको माना गया है, WHO हैज डिक्लेयर कर चुकी है. हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आती है. तो ये कर चुके हैं WHO मंकी पॉक्स को टू बी ए, मतलब इसको माना जाए टू बी ए पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, पब्लिक जो आम जनता की हेल्थ की इमरजेंसी माना जाए, इंटरनेशनल कंसर्न, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे इसके बारे में चिंता होनी चाहिए. फॉर द सेकंड टाइम, दूसरी बार दिया गया है इन टू ईयर, 2 सालों में, फॉलोइंग इट्स आउटब्रेक, फॉलोइंग मतलब इसके एनस्यू भी इसका एक सिनोनिम हो सकता है. तो फॉलोइंग इट्स आउटब्रेक, आउटब्रेक के होने के बाद, आउटब्रेक मतलब फैलने के बाद, इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डीआरसी एक कंट्री है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो. तो इसके बारे में जैसे जहां से कॉन्गो रिवर जाती है, इसलिए डीआरसी बोला गया इसको. तो यहाँ पे फैला गया सेकंड टाइम, साल में दो साल में बार हो गया. इट्स स्प्रेड टू ओवर, इसका फैलाव हो गया है ओवर ए डजन, मतलब ओवर थोड़ा सा ज्यादा बोल रहे हैं कि ओवर हो गया, ऐसे बोलते हैं अपने लोकल लैंग्वेज में, कोलोकल लैंग्वेज में. तो इसमें बोला कि ओवर डजन, मतलब क्योंकि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में 55 कंट्री है, मतलब डजन मतलब 12 से ज्यादा कंट्री में हो गया अफ्रीका में. द मल्टी कंट्री मतलब अलग अलग कंट्री में है, तो ज्यादा कंट्रियों में है. आउटब्रेक इज यूरोप इन 2000, तो इसका फैलाव हुआ था, आउटब्रेक हुआ था 2022 में, मल्टी कंट्री में आउटब्रेक हुआ था यूरोपियन यूनियन में, यूरोपियन कंट्री में भी हुआ था 2022 में. हैड लेड टू ए डिक्लेरेशन, हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ पे आती है, पास्ट परफेक्ट टेंस में. तो इससे क्या हुआ था, आगे चलते डिक्लेरेशन घोषणा हो गई थी, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी इंटरनेशनल कंसर्न. WHO अनाउंसमेंट कम्स ए डे मतलब तब आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा है तो ये आती है या आई है,
after the Africa CDC Center for Disease Control declared the outbreak to be a health emergency of continental security. तो जैसे जो एक अफ्रीकन कंट्री का क्या है, अफ्रीका का सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल है, उसने डिक्लेयर घोषणा कर दी थी कि भाई ये पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी बन गई है कंटिनेंट की, उस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की, महाद्वीप की सिक्योरिटी, तो कंटिनेंट सिक्योरिटी के लिए बीमारी बन गई थी। इसी के बाद फिर WHO ने डिक्लेयर कर दिया आल्सो मार्किंग, ये बिल्कुल निशान लगा था जैसे एक पहचान देता है कि फर्स्ट टाइम ए रीजनल एंड ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी, ये रीजनल भी है, लोकल लेवल पे है और ग्लोबल विश्व तौर पर भी इमरजेंसी हैज बीन डिक्लेयर्ड फॉर ए डिजीज आउटब्रेक, एक डिजीज के लिए दोनों लेवल पे किया गया डिक्लेयर। इफ दिस इज द फर्स्ट सच डिक्लेरेशन इन अफ्रीका ऑफ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी कॉन्टिनेंटल सिक्योरिटी सिंस 2017, तो 2017 से पहली बार हुआ, पहली बार ऐसा हुआ कि ये कॉन्टिनेंट के लिए सिक्योरिटी के लिए पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी बोला गया है। इट इज ऑल्सो द फर्स्ट टाइम, पहली बार है WHO डिक्लेयर किया गया पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी फॉर इंटरनेशनल कंसर्न, इंटरनेशनल लेवल पे चिंता की बात है, डिजीज आउटब्रेक इन अफ्रीका ऑन द वेरी फर्स्ट टाइम, मतलब दोनों चीजें पहली बार हो रही है। द इमरजेंसी कमेटी, जो इमरजेंसी एक कमेटी होती है, कुछ आदमी होंगे उसमें मेट मिले टू डिसाइड करने के लिए ऑन द मैटर, इस मैटर पे, दो यद्यपि WHO क्लेम्ड इन अगस्त 2014, तो WHO ने यद्यपि हालांकि WHO ने दावा किया है, क्लेम दावा किया है कि अगस्त 2014 में दैट इबोला आउटब्रेक इन वेस्ट अफ्रीका, जो वेस्ट अफ्रीका मतलब इधर तो जो इथोपिया वगैरह ईस्टर्न अफ्रीका में आते हैं, तो वेस्ट अफ्रीका टोगो बेनिन वगैरह आते हैं, या फिर तो ये कंट्री जो है यहाँ पे सीरा लियोन है, तो वहां पे बोला गया कि वेस्ट अफ्रीका में जो इबोला वायरस फैला था ना वेस्ट अफ्रीका में, वाज डिक्लेयर्ड पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी इन द वेरी फर्स्ट मीटिंग ऑफ द इमरजेंसी कमेटी, उसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी बना दिया था जब कमेटी पहली बार मिली थी उसी में, एंड एसोसिएटेड प्रेस इन्वेस्टिगेशन, उसके एसोसिएटेड मतलब उसके साथ जुड़ी हुई प्रेस की जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी, रिवील्ड उसने उजागर किया, डाइवल्ज भी बोल सकते हैं, डाइवल्ज खोल देना, खुलासा करना, रिवील कर दिया हाउ WHO रजिस्टर करना, रोकना, कॉलिंग इट ए पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, तो ये प्रेस इन्वेस्टिगेशन ने बताया भी कि भाई WHO ने रजिस्टर किया था इसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी फॉर ए फ्यू मंथ्स, कुछ महीने के लिए डिक्लेयर करने के लिए रजिस्टर किया, रोका, बट इन द सेकंड इबोला आउटब्रेक 2014 की बात हो रही है, जो सेकंड बार हुआ था इबोला आउटब्रेक इन अफ्रीका 2018-19 में, जब WHO ने डिक्लेयर करी इसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ओनली वेन इमरजेंसी कमेटी मेट फॉर द फोर्थ टाइम, तो चौथी बार मिली थी तब उन्होंने भी डिक्लेयर कर दिया था। तो यहाँ पे बात हो रही है कि 2022 में मंकी पॉक्स आउटब्रेक इन यूके में हुआ था, दैट स्प्रेड ओवर 100 कंट्री, जो यूरोपियन कंट्री में 100 कंट्री से ज्यादा फैल गया था ना, वाज कोज बाई, ये किसके कारण था, वाज कोज्ड, वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव फॉर्म में आती है, कोज्ड बाई द माइल्डर क्लेड टू बी वायरस, तो ये माइल्डर मतलब मध्यम उसका इसका ग्रेविटी का, क्लेड टू बी वायरस प्राइमरली अफेक्टिंग मैन हु हैव सेक्स विद मैन, तो प्राइमरली मुख्य रूप से उनमें होता था जो मैन के साथ मैन का रिलेशन रहता था, गे होते थे वो, एंड विद लिमिटेड केसेस अमंग चिल्ड्रन, कुछ लिमिटेड केसेस बच्चों में भी होते थे, एडोलसेंट किशोर में भी होते थे, जो टोडलर बोलते हैं, या मतलब टोडलर छोटा बच्चा होता है, एडोलसेंट किशोर अवस्था में जो टीनेजर बोलते हैं। द करंट आउटब्रेक इज ड्रीवन बाई ए न्यू, करंट जो हाल फिलहाल में जो फैला हुआ ना, ड्रीवन मतलब ड्रीवन या पुश बाई दी इज ड्रीवन, इज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म वही पैसिव फॉर्म में, और बाई सो एंड सो, जैसे इज डन बाई सो एंड सो आदमी के द्वारा काम किया गया था, सेम फॉर्मेट आया है कि इज डन बाई ए न्यू एंड मोर लीथल, लीथल मतलब जान लेने वाला, क्लेड आई बी, अब फर्स्ट बी, अब मतलब जो एक और भयानक आ गया जिसको फर्स्ट बी बोलते हैं, स्प्रेड इफेक्टिवली थ्रू सेक्सुअल एंड नॉन सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से भी होता है और नॉन सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से भी होता है, देर हैव बीन 2863 कन्फर्म केसेस अभी, मतलब 2863 केस रहे हैं एंड 517 डेथ्स ईयर दिस ईयर, 517 डेथ रही है प्राइमरली इन द DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो कंट्री में, जो कि कॉन्गो से अलग हुआ था। द क्लेड 1B इमर्ज इन द DRC इन सितंबर 2023, तो सितंबर में इमर्ज हो गया था, उभर के आया था ये, विद ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन, आदमी से आदमी में ट्रांसमिशन हो गया था। वैसे पहले, इससे पहले ये क्या था, रोडेंट जो चूहे वगैरह में होता था, मंकी में होता था, प्राइमेट बोलते हैं जिनको, वैसे ऐसे होता था, बट अभी आदमी में फैलने लगा सिंस देन, तब से। एंड इन द DRC अराउंड 2/3 ऑफ द इन्फेक्शन, दो तिहाई जो इन्फेक्शन है आर इन द चिल्ड्रन अंडर 15 ईयर्स, मतलब ज्यादातर बच्चों में होते हैं जो 15 साल से नीचे हैं। वैक्सीन आर अगेन इन एक्यूट शॉर्ट सप्लाई, एक्यूट बिल्कुल बोलते हैं ना, एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम हो गया इसको, या एक्यूट मतलब भयानक, थोड़ा सा खतरा, उसका ग्रेविटी ज्यादा है, तो वैक्सीन अगेन एक्यूट शॉर्ट सप्लाई है, कम है, शॉर्ट कम हो गया सप्लाई का, एज अगेंस्ट 10 मिलियन डोजेज, मतलब 10 मिलियन, 1 मिलियन 10 लाख, मतलब यहाँ पे 100 लाख चाहिए उनको, 10 मिलियन डोजेज चाहिए, नीडेड टू कंट्रोल द आउटब्रेक, जरूरत है उसको।
जस्ट अबाउट 0.2 मिलियन, मतलब लगभग ये है कि भाई 1 मिलियन 10 लाख, तो ये लगभग मतलब 2 लाख के आसपास ये ही हैं डोजेज अवेलेबल, मे बी सप्लाइड इमिडिएटली। अब इसको इमिडिएटली सप्लाइड किया जा सकता है, मे बी शायद किया जा सकता है। एंड इवन वेन, मतलब इतना की वेन जब वैक्सीन वर यूज टू ब्लंट ट्रांसमिशन, ब्लंट मतलब इसको अनशार्प करना, अनशार्प जैसे शार्प तरीके से फैल रहा था उसको ब्लंट करना, अनशार्प करना, जैसे बोलते ना कि भाई आपने मेरा चाकू ब्लंट कर दिया है, ये थोड़ा सा इतना शार्प नहीं रहा है, तो उससे ही ट्रांसमिशन को कम करने के लिए, इसकी जो पेनिट्रेशन है उसको कम करने के लिए, इन यूरोप एंड यूएस अर्लियर वैक्सीन वर नॉट सप्लाई टू अफ्रीका। तो बोले कि पहले यूरोप में होगा वैक्सीन, अफ्रीका को सप्लाई नहीं की गई है, बींग एंडेमिक देयर फॉर ईयर बहुत सालों तक रहा है। करंटली ओनली DRC एंड नाइजीरिया हैव ग्रांटेड इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन, तो उन्होंने इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दे दिया है फॉर दी वैक्सीन, वैक्सीन के लिए। इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन का मतलब ये है कि भाई WHO के अंदर एक क्लोज रहता है, अगर मान लो किसी कंट्री का, उसमें जैसे इंडिया में भी इमरजेंसी यूज यूज किया गया था कि पेटेंट है, तो उसको भी छोड़ के उसको यूज किया जा सकता है, पेटेंट को भुला के, पेटेंट को याद नहीं किया जाता, तब इमरजेंसी यूज हो जाता है। एंड द रेगुलेटरी हर्डल कैन बी साइड स्टेप, जो इसको नियंत्रित करने के हर्डल बाधाएं है ना, उसको साइड स्टेप किया जा सकता है इफ द कंपनी एक्सप्रेस इंटरेस्ट फॉर WHO इमरजेंसी यूज लिस्टिंग। अगर मान लो कोई भी कंपनी ऐसे कहती है ना कि मेरा ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, यू कैन डू दिस, तो या WHO यहाँ पे इंटरवेन कर सकता है, यूज लिस्टिंग उस कुछ कंपनियों का नाम दे सकता है कि भाई ये लिस्टिंग कर सकता है इनकी कंपनियों की, ऐसे से इनको यूज किया जा सकता है इमरजेंसी यूज के लिए, विच विल अलाउ इंटरनेशनल एजेंसी टू सप्लाई वैक्सीन टू अफ्रीकन कंट्री, जो अलाउ कर देगा कि वैक्सीन है अफ्रीकन कंट्री में जाएंगे। इवन देन फिर भी अफ्रीका विल हैव टू वेट द एंड ऑफ 2025, 2025 के एंड तक वेट करना होगा, अभी 2024 चला हुआ है, फॉर 10 मिलियन डोज, 10 मिलियन डोज मिलेंगी तो 2025 के एंड तक मिलेंगी, तब तक बीमारी बहुत फैल जाएगी। आई होप आपको समझ में आया कि भाई उदासीनता है, अफ्रीकन कंट्री गरीब है, तो उनको हमने भी बहुत हेल्प की है, जैसे कोरोना टाइम पे कोवैक्सीन वगैरह दे के, कोविशील्ड दे के। तो ये कह रहे हैं कि भाई वहां पे मंकी पॉक्स भेजना चाहिए, यूरोपियन कंट्री जो है बहुत ही डेवलप है, वेल डेवलप है, तो उनको वहां से थोड़ा सा सप्लाई करना चाहिए। तो ये इंटरनेशनल रिलेशनशिप के बारे में क्वेश्चन आता है GS पेपर नंबर 2 में, वहां के लिए आपको बेनिफिशियल रहेगा। स्पोकन इंग्लिश के लिए आपको बहुत सारे वोकैबुलरी वर्ड्स ऑलरेडी मिल गए होंगे, वैसे ही फॉर्मेट मैंने कुछ बताया, तो वैसे ही आप डे बाय डे इनहांसमेंट कर सकते हैं अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को। एंड इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको फायदा मिल रहा है नहीं मिल रहा, और लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड में, देन ओनली आई वुड एबल टू लाइक इंक्रीज माई चैनल रीच और नीस, तभी मुझे कुछ इससे बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि मैं परसिस्टेंट प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज के लिए इतना ही, शेयर जरूर कर देना, बाय।